नमस्ते साथियों, मैं सूरज छेत्री आप लोग सभी को फार्मिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में मैं आप लोगों को फिर से एक भी पैसा खर्च करे बिना मुफ्त में मुर्गियों के लिए हाई प्रोटीन, हाई कैल्शियम और हाई विटामिन वाला दाना बना के दिखाने वाला हूँ। तो प्लीज साथियों, आप लोग ये वीडियो पूरे रास्ते तक अच्छे से देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फिर चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये दाना बनाने के लिए मैंने अपने नजदीकी सब्जी मंडी से खराब सब्जी और खराब सब्जियों के पत्ते लाया है। यहाँ पत्ता गोभी और टमाटर है। ये दाना बनाने के लिए मैं और भी बहुत सारे चीज इस्तेमाल करने वाला हूँ। पहले मैं ये पत्ता गोभी और टमाटर को अच्छे से धो लेता हूँ और उसके बाद क्या क्या करता हूँ आप लोग आगे वीडियो में देखते जाइए। सब्जी मंडी से लाए हुए पत्ते गोभी को पहले हमें अच्छे से धो लेना चाहिए और उसके बाद ही मुर्गियों को देना चाहिए। आप लोग देख सकते हैं, मैं अभी ये पत्ते गोभी को बहुत ही अच्छी तरीके से पानी में धो रहा हूँ। मैंने मुर्गियों के दाना बनाने के लिए पत्ते गोभी का इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि पत्ते गोभी में बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो मुर्गियों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। पत्ते गोभी में विटामिन ए, विटामिन B1, B2, B6, विटामिन सी, विटामिन ई, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, आयोडीन, सल्फर और भी बहुत सारे पोषक तत्व पत्ती गोभी में पाए जाते हैं। अगर आप लोगों ने घर में खाने के लिए मेडिसिन का प्रयोग किए बिना सब्जियों की खेती कर रखा हुआ है वो सब्जी आप लोग बिना धोए भी मुर्गियों को दे सकते हैं। पर अगर आप लोग सब्जी मंडी से सब्जी लाते हैं उसे आप लोगों को पहले अच्छे से धो लेना चाहिए और उसके बाद ही मुर्गियों को देना चाहिए। मैंने पत्ते गोभी को अच्छे से धो लिया है। अब ये टमाटर को भी मैं पहले अच्छे से धो लेता हूँ और उसके बाद क्या क्या करता हूँ आप लोग आगे देखते जाइए। आप लोग देख सकते हैं, ये खराब टमाटर है और इसे मैंने सब्जी मंडी से मुफ्त में लाया है। आप लोग देख सकते हैं, मैं अभी ये टमाटर अच्छे से पानी में धो रहा हूँ ताकि इसमें अगर कोई बीजाणु है और इसके बाहर अगर कोई मेडिसिन लगा हुआ है वो यहीं खत्म हो जाए। ये पत्ते गोभी और टमाटर को मैं इसलिए पानी में अच्छे से धो रहा हूँ क्योंकि इसे मैंने सब्जी मंडी से लाया है। और आप लोगों को तो पता ही है, आजकल सब्जियों में बहुत सारा मेडिसिनों का प्रयोग किया जाता है और ये मुर्गियों को हानि ना पहुंचाए उसके लिए मैं ये गोभी के पत्ते और टमाटर को अच्छे से पानी में धो रहा हूँ। टमाटर में भी बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो मुर्गियों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। टमाटर में प्रोटीन पाया जाता है, फाइबर पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है, विटामिन B9, विटामिन के, पोटेशियम और भी बहुत सारे पोषक तत्व टमाटर में पाए जाते हैं। मैंने टमाटर को भी अच्छे से धो लिया है। ये दाना बनाने के लिए मैं पालक का भी इस्तेमाल करूंगा। ये पालक हमारा घर का ही है। हमने घर में खाने के लिए थोड़ी जगह में पालक की भी खेती की हुई है और इसे भी मैं बीच बीच में मुर्गियों को देता रहता हूँ ताकि पालक में जो भी पोषक तत्व मौजूद होते हैं इसे खाने से मुर्गियों को फायदा पहुँचे। ये पालक हमारा घर का ही है, इसे धोने की आवश्यक नहीं है, फिर भी मैं इसे धो लेता हूँ ताकि इसमें अगर कोई बीजाणु है वो यहीं खत्म हो जाए। पालक में भी बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो मुर्गियों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। पालक में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन K1, विटामिन B6, B9, विटामिन ई, प्रोटीन, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम और भरपूर मात्रा में कैल्शियम भी पाया जाता है और उसके साथ साथ पालक में और भी बहुत सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं। मैंने पत्ते गोभी, टमाटर और पालक को अच्छे से धो लिया है। अब मैं क्या क्या करता हूँ आप लोग आगे देखते जाइए। मैं अभी ये पत्ते गोभी छोटे टुकड़ों में काट रहा हूँ, आप लोग आगे देखते जाइए। इसे हमें बहुत ही छोटे टुकड़ों में काटना है
ताकि मुर्गियों को खाने में कोई दिक्कत ना हो। साथियों, इस वीडियो को आप लोग बीच में स्किप मत करना, पूरे लास्ट तक अच्छे से वीडियो को देखना। आधे अधूरा ज्ञान आप लोगों को कभी भी नहीं लेना है, आप लोगों को पूरा ज्ञान लेना है। आधे अधूरा ज्ञान लेकर आप लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। पत्ते गोभी को मैंने अच्छे से काट लिया है, अब मैं पालक को भी अच्छे से काटने वाला हूं, तो आप लोग देखते जाइए। पालक को भी हमें बहुत ही छोटे टुकड़ों में काटना है ताकि मुर्गियों को खाने में कोई दिक्कत ना हो। मैंने पालक को भी छोटे टुकड़ों में काट दिया है, अब मैं टमाटर के भी छोटे टुकड़े करने वाला हूं, तो आप लोग देखते जाइए। पत्ते गोभी और टमाटर खराब हो गए थे और इसलिए सब्जी मंडी वालों ने इसे फेंकने के लिए रखा हुआ था और वहां से मैंने इसे लाया है। आप लोग देख सकते हैं, मैं ग्लास से टमाटर के छोटे टुकड़े कर रहा हूं और इसी तरीके से हमें टमाटर को भी छोटे टुकड़े करना है ताकि मुर्गियों को खाने में कोई दिक्कत ना हो। मैंने पत्ते गोभी, पालक और टमाटर के छोटे टुकड़े कर दिया है और ये अभी बिल्कुल तैयार हो गए हैं। और इन तीनों के साथ अभी मैं और भी कुछ चीज मिलाने वाला हूँ, तो आप लोग आगे देखते जाइए। मैं अभी इन तीन चीजों को अच्छे से एक साथ मिक्स कर रहा हूँ और ये आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा घर का वेस्ट राइस है, इसे भी अभी मैं इनके साथ मिक्स करने वाला हूँ। इसे मैं अभी बराबर एक साथ मिक्स करूंगा। मैंने राइस को भी अच्छे से मिक्स कर दिया है, अब मैं यहाँ धान के मल को भी अच्छे से मिक्स करने वाला हूँ। मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ, ये राइस पॉलिश नहीं है, ये धान का मल है। आप लोग धान के मल के जगह राइस पॉलिश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर अभी यहाँ मुफ्त में मुर्गियों के लिए दाना बनाने के बारे में बात हो रही है, इसलिए मैं धान का मल इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि ये धान का मल मैंने खरीदा नहीं है, ये हमारा घर का ही है। धान के मल को भी मैं अभी इनके साथ अच्छे से मिक्स कर रहा हूँ और इसे भी हमें अच्छे से बराबर मिक्स करना है। और जब ये बराबर मिक्स हो जाएगा, उसके बाद हमें यहाँ थोड़ी मात्रा में पानी का भी इस्तेमाल करना है। हमें ज्यादा पानी यहाँ नहीं मिलाना है, हमें बहुत ही कम मात्रा में पानी लेना है और इसके साथ अच्छे से मिक्स करना है। हमें पानी उतना ही लेना चाहिए जितने पानी में दाना इस तरीके का होता है। और आप लोग देख सकते हैं, ये दाना अभी बिल्कुल तैयार हो गया है और इसे अभी मैं मुर्गियों को देने वाला हूँ, तो आप लोग आगे देखते जाइए कि ये दाना मुर्गियाँ किस तरीके से खाते हैं। मैं अभी फार्म के अंदर आ गया हूँ और इसे अभी मैं मुर्गियों को देने वाला हूँ, तो आप लोग देखते जाइए। और आप लोग देख सकते हैं, ये दाना देने के साथ साथ मुर्गियां किस तरीके से फटाफट और बहुत ही अच्छी तरीके से ये दाना खा रहे हैं। अब बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कि ये दाना रेगुलर मुर्गियों को देने के लिए संभव नहीं है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्यों संभव नहीं है। अगर आप लोग सब्जियों की खेती नहीं करते हैं, तो आप लोगों के नजदीकी सब्जी मंडी में जाइए और वहां जो भी खराब सब्जी रहेंगे, खराब सब्जियों के पत्ते रहेंगे, वहां से उसे उठा लाइए और इसी तरीके से उसे दाना बना के मुर्गियों को खिलाइए। अगर आप लोग इस तरीके से दाना बना के मुर्गियों को खिलाते हैं, तो आप लोगों का फीड का खर्च भी कम हो जाएगा और मुर्गियों को जो भी पोषक तत्व चाहिए, इन सब्जियों के पत्तों से उन्हें भरपूर मात्रा में मिल जाएगा। अगर आप लोग देसी मुर्गियों को सिर्फ खरीदा हुआ फीड खिलाकर पालते हैं, तो आप लोगों का ज्यादा मुनाफा नहीं होगा। इसलिए देसी मुर्गियों को आप लोग कम से कम खरीदा हुआ फीड खिलाइए और जितना हो सके मुर्गियों के लिए घर में ही दाना बनाइए।
अगर आप लोग 100 देसी चूजे लाते हैं तो 100 देसी चूजों को पहले अवस्था में एक बैग प्री स्टेटर फीड जरूर खिलाइए और उसके बाद से आप लोग इस तरीके से घर में ही दाना बना के मुर्गियों को तैयार कर सकते हैं और एक अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। एक दिन से ही चूजों को घर का बनाया हुआ फीड कभी भी नहीं देना चाहिए। अगर आप लोग एक दिन से ही चूजों को घर का बनाया हुआ फीड देते हैं तो उनका डाइजेशन का प्रॉब्लम हो सकता है और उसके वजह से चूजे मर सकते हैं। इसलिए अगर आप लोग 100 चूजे लाते हैं तो उन्हें मिनिमम एक बैग प्री स्टेटर फीड जरूर खिलाइए और उसके बाद से ही उन्हें घर का बनाया हुआ फीड खिलाइए। देसी मुर्गियों के लिए घर में ही मुफ्त में और क्या क्या दाना बनाया जाता है उसके बारे में मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बना के रखा हुआ है और अगर आप लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखा हुआ है, वो लिंक क्लिक करके आप लोग वीडियो देख सकते हैं। तो साथियों यही थे कुछ जानकारी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया और वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना और दोस्तों के साथ और अपने परिवारों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करना। और अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो साथियों आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर एक जबरदस्त वीडियो के साथ।